लाहौर से कराची सिर्फ एक गाड़ी के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी हसन अंसारी। उम्मीद है सब खैर से होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई साहब लाहौर से कराची के लिए निकल रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं इंट्रो कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जल्दी है, और आपको मिलते हैं भाईजान आगे ट्रेन में या स्टेशन पे। A few minutes later. तो यू नो डैड, आपके भाई के अचानक प्लान बनते हैं, और अभी भाई कराची का प्लान बन गया है, और भाई रेडी है यहाँ से कराची निकलने के लिए। ट्रेन का भाई वेट करते हैं और आपको भाई पूरे सीन दिखाते हैं। तो हमारी ट्रेन का टाइम जो है ना वो है 4 बजे का। हमने भाई एसी स्टैंडर्ड बिजनेस क्लास भी कैंसिल के बुक करवाई थी टिकट्स, और मेरे साथ जा रहे हैं तायाजान एंड सैफ। सैफ को आपने अक्सर मेरे व्लॉग के अंदर देखा होगा। आज आपकी तायाजान से भी मुलाकात करवाते हैं। आए 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 भाई, सफर शुरू कर रहे हैं और नमाजे असर अदा करते हैं। और जब सफर में होते हैं तो 2 फर्ज पड़ते हैं, 4 फर्ज होते हैं, लेकिन सफर के दौरान 2 फर्ज पड़ते हैं। और इंशाल्लाह ट्रेन आने वाली है, 10 मिनट तक ट्रेन में बैठ के आपका भाई फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस, तो नमाजे असर अदा कर ली है, और अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 मिनट में जो है ना ट्रेन निकल जाएगी। लेकिन जो है पाकिस्तानी भाई ट्रेन में कोई अता पता नहीं है। आ गई वाकई आ गई भाई। वैसे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये पाकिस्तानी ट्रेन है सैफ साहब, आधा आधा घंटा। अच्छा जी, जब से आजकल कौन है वजीर रेलवे? भाई कराची से लाहौर का सफर, और अभी जो है ना फिर हम साहिबाल पहुंचे हैं। तकरीबन मेरा ख्याल 2 घंटे तो हो गए हैं तकरीबन जब से ट्रेन चली हुई है। And a half hours later. आप लोगों को पता है लाहौर से कराची सफर जारी है, और गाड़ी अभी जो रुकी है वो खानेवाल स्टेशन पे रुकी है, और रात का टाइम है भाई। आपको खानेवाल स्टेशन भी नहीं फिलहाल जो है ना दिखा सकता, तो अभी जो है जो नजर आ रहा है वो ही आप देखो। यहाँ हुआ जाता है नमाज इशा का वक्त, भाई नमाज इशा अदा करते हैं और फिर अल्लाह का नाम लेके अपना सफर का आगाज करते हैं। काफ़ी देर सोचता रहा ये पता नहीं ऊपर क्या कर रहे हैं, फिर मुझे तायब उन्हें बताया कि ये पानी भरते हैं। लेकिन भाई जो रौनक लाहौर स्टेशन पे होती है ना रेलवे स्टेशन पे, वो मुझे फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रही। ऑब्वियसली लाहौर एक बड़ा शहर है, और कराची भी में भी इतनी रौनक नज़र आएगी। ये देखें ना, ये सुनसान है यहाँ, सिर्फ जितने भी रेलवे स्टेशन हैं जहाँ गाड़ी आती है वो बिल्कुल सुनसान है। ये आई थिंक खानेवाल स्टेशन पर हम रुके हुए हैं। तो भाई जान, यहाँ से हम आपको बताया नमाज अदा की है, और उसके बाद अभी हमने निकलना है यहाँ से आगे कराची के लिए। और ये जितने भी शहर हैं मैं फ़र्स्ट टाइम इनको विज़िट कर रहा हूँ, बल्कि विज़िट क्या कर रहा हूँ, किसी टाइम इंशाल्लाह मौका मिला तो इनको प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी तो इनके पास से गुजर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कराची जा कर उसको एक्सप्लोर करेंगे। अरे आप अपना काम करो ना, ज़िंदगी में जब भी आपको मौका मिले ना अपने आप को लुत्फानंदोज़ करने का, इंजॉय करने का, यार कोई भी मसरूफियत है मिस कराओ, निकलो अपने लाइफ के लिए, अपने आप के लिए। अगर आप उससे खुश हो रहे हो ना, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। सर क्या बात है सर, ताया जी ने एक बात कही है कि जहाँ भी जाओ ना वहाँ का पानी जरूर पियो। मुझे इस बात का कोई गहराई का नहीं पता, तो अभी ताया जी से भी आपको पूछवाएंगे कि ताया जी ने ये क्यों कहा। आज तो तकरीबन कोई 12 घंटे की तवील मुसाफत के बाद हम जो है ना नवाब शाह पहुँच गए हैं, और कराची पहुंचने में तकरीबन अभी 5 घंटे बाकी हैं, और सैफ साहब जो है ना वो फुल बटा फुल थक गए हैं। अंगड़ाइयाँ ले ले कि वो बेचारा बिल्कुल जो है ना वो थक तो गया। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और बड़ा एक लंबा सफ़र किया है एक लंबे अरसे के बाद, स्पेशली ट्रेन में वो भी, और ट्रेन में मेरा ये पहला सफ़र है। ओ, ट्रेन चल गई जो है। अभी पहुंचे हैं हैदराबाद स्टेशन पे। आई थिंक यहाँ से कराची तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता रह गया, और अल्लाह अल्लाह करके पहुंच ही गए हैं, क्योंकि ट्रेन पे यार काफी ज़रारत हो जाती है क्योंकि सफर बहुत ज्यादा है। और वैसे ट्रेन भी अच्छी थी, एसी स्टैंडर्ड थी, गर्मी शर्मी वाला कोई चक्कर नहीं था, मज़ेदार सीन था। तो भाईजान फाइनली कराची पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। आपको सीन दिखाते हैं भाई बाकी के। तो यार अभी यहां से निकलना है हमने क्लिफ्टन के लिए, गाड़ी वहां खड़ी है जिस मकसद के लिए हम कराची आए हैं,
तो भाई अभी वहाँ से गाड़ी देखते हैं जाके, अभी देखी भी नहीं है किस तरह की है, फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा और वही ओके करनी है। तो 20 घंटे का ट्रेन पे सफर करने के बाद भाई आ गए हम इधर, ये अल्तमिश हॉस्पिटल है। और भाई जान जो हमने गाड़ी ली है या देखने के लिए बेसिकली आए थे वो गाड़ी ये वाली है, ये चेक करें, ये है FA V2। बड़े भाई जो कैप्टन है भाई उनको पसंद आ गई, तो कहते यार यही गाड़ी लेनी है, और हमारी दौड़े लगवा दिए लाहौर से कराची गाड़ी लेने के लिए। अच्छा लेकिन डिटेल देता जाऊँ तो भाई जान ये जो है ना ये FA V2 2017 मॉडल है और 1300cc कार है और नॉर्मली घर के लिए बेहतरीन कार है और अच्छा इस्तेमाल है इसका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ले ली है और जो पेपर वर्क था सारा हो गया, गाड़ी हमारे नाम हो गई है और अब भाई हम यहाँ से गाड़ी को ले कर निकल रहे हैं। भाई ने अपने आर्मी के मेस पे बुकिंग करवाई हुई है, वहाँ हमें रूम भी मिल जाएगा, खाना चना भी खाते हैं जाके। बैठो ताया जी, बैठो स्नेक यार तू। भाई अब ड्राइवर की बारी है गाड़ी चलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ले ली है और गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अलमास भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मैं भी लोग के अंदर ही कह रहा हूँ। तो अभी आ गए हैं यहाँ सीनियर ऑफिसर क्वार्टर्स में जो कि भाईजान को दिए गए हैं और यहाँ आज रात हमने स्टे कर। फाइनली पहुँच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा सुकून होगा। अभी भाई खाना शाना खाते हैं और इस पूरे हेडक्वार्टर्स को हम विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। और ये चेक करें भाईजान, फुल जो है ना सैफ साहब थके पड़े हैं, सैफ साहब की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाजाद हो गई है। सैफ साहब इधर देखे तेरा मुस्कुराए तो सही, जेन्युइन स्नेक है साहब आपका। भाई आपको रूम टूर देगा, तो भाईजान ये चेक करें ज़रा शशके, इस रूम में भाईजान हमने स्टे करना है। आर्मी की मौजें हैं भाई, आर्मी की तरफ से हेडक्वार्टर जो है ना वो हमें मिल गया अलमास भाई की वजह से। और इसके साथ साथ आपको दिखाते जाइए ये किचन एरिया, ठीक है, जो कि बड़ा लेविश किस्म का क्रिएट किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये है भाई जान गेस्ट रूम, जहाँ जो है ना गेस्ट बैठते हैं। लेकिन सैफ साहब देखें वीडियो बन रही थी तो अचानक बैठ गए कि मैं गेस्ट लगूँ। और ये देखें भाई जान ये पूरा मम्मी डैडी माहौल है और यहाँ हमने आज रात स्टे करना है। और आज का मैंने आपको रूम टूर भी दे दिया है, जो कि बहुत से यूट्यूबर्स की गंदी आदत है, उसमें मैंने भी एक आदत अपनी जो है ना अपना ली है। तो भाई आपको एक चीज तो मैं दिखाना भूल ही गया, क्या बोला, एडिटिंग टेबल। लेकिन ये वो करते हैं भाई जो लैपटॉप पे एडिटिंग करते हैं, आपका भाई मोबाइल पे एडिटिंग करता है, टेंशन ही नहीं है, मोबाइल पे ही सब कुछ हो जाता है यार, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भाई आपका भाई फ्रेश होके आ गया है और भाई अभी आता है खाना खाने का। मैं सोच रहा हूँ यार मैश जाके खाते हैं, लेकिन सैफी क्या सीन है खाने का, इधर ही है के यार मैश चलते हैं यार, भाई साहब ने नहीं मानना। बहरहाल ताया जी को भाई साहब कहते हैं, तो भाई जान खाना शाना इधर ही मंगवाते हैं और आपको भी बताते हैं खाने शाने में क्या है, और उसके बाद फिर आपको बाय बाय करेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अभी बाय बाय नहीं करना, अभी आपने पूरा व्लॉग देना, टेंशन ही लेनी है आपने, हर चीज़ दिखाऊंगा आपको। बस करवाई है तो इसने करवाई है जेन्युइन लोरी खाना, भाई खाना शाना खा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह यार खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आ गया, पेट फुल हो गया। और भाई इसी व्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल अवैस अंसारी व्लॉग को मस्ट सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और बताता चलूं लाहौर से कराची सिर्फ एक गाड़ी के लिए।